भाइयों और बहनों, जिन दलों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो, जिनकी नीति बाहुबलियों का आदर सत्कार हो, वो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए इनको हर उस कदम से समस्या होती है जिससे समाज को मजबूती मिलती है, समाज का सशक्तिकरण होता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का भी ये विरोध करते हैं। चाहे तीन तलाक के विरोध सख्त कानून हो, या फिर लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को बराबर करने का विषय, ये सिर्फ विरोध ही करते रहते हैं। हाँ, योगी जी की सरकार के काम को देखकर ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। इसलिए वो यूपी का विकास करने वालों के साथ है, यूपी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वालों के साथ है।